सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। 40 mg कैप्सूल जो कि कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर टेलमिसर्टन 40 mg डाला गया है। सिस्टोमिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। 10 गोली का ये पूरा स्क्रिप्ट रहता है जिसका MRP की बात करें तो 37.50 rupees रहता है। तो न्यूटेल 40 mg कैप्सूल्स के बारे में इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि इसको किन किन केस में रिकमेंडेड किया जाता है, कब तक इसको लिया जाता है और इसको लेने से क्या बेनिफिट है या क्या साइड इफेक्ट है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि न्यूटेल 40 mg कैप्सूल किस काम आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम एक छोटा सा इंट्रो के बाद। न्यूटेल 40 mg कैप्सूल जो कि सिस्टोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। टेलमिसर्टन 40 mg डाला गया है और 10 गोली का यह पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 37.50 rupees रहता है। न्यूटेल 40 mg टैबलेट जो कि एक मेडिसिन है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है और हार्ट अटैक के केस में इसको यूज़ किया जाता है। इसको कम करती है, जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो कम करती है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक से रिलीफ देता है। तो ये इफेक्टिवली प्रिवेंट करती है किडनी फंक्शन को, जो पेशेंट रहता है किडनी और डायबिटीज पेशेंट रहते हैं तो उसको ये बेनिफिट भी देती है। तो इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब किया जाता है बहुत सारे अदर मेडिसिन के साथ, हार्ट के अदर मेडिसिन के साथ इसको रिकमेंडेड किया जाता है। ये टेबलेट यूज होती है हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, और ये प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक से और स्ट्रोक से और हार्ट फेलियर से ये रिलीफ देती है। तो इस कैप्सूल को हार्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। इस कैप्सूल को अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, कार्डियक डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, जितना नीड नहीं है उससे भी ज़्यादा ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, सीनस इन्फेक्शन हो सकता है, बैक इन्फेक्ट पेन हो सकता है और डायरिया हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब साइड इफेक्ट से बचने के लिए इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जब तक बोले तब तक ले, इसको तोड़ के वगैरह न ले कि आधा टेबलेट आज ले रहे हो आधा कल ले रहे हो, ऐसा ना करें। इसको खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी ले सकते हो और बेटर रिजल्ट के लिए इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखें। तो न्यूटेल टैबलेट 40 mg टैबलेट काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो न्यूटेल 40 mg टैबलेट जिसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है टेलमिसर्टन 40 mg जो कि एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ARN ब्लॉकर है, जो कि क्या करता है रिलैक्स कर देता है ब्लड विजल्स को, जो कि ब्लॉक करके रखती है जिसके कारण ब्लड अच्छे से पास नहीं होता ब्लड विजल्स के अंदर। तो ये क्या करती है कि कम कर देती है ब्लड प्रेशर को और अलाउ करती है ब्लड फ्लो को स्मूथली आपके डिफरेंट ऑर्गेन तक और हार्ट पंप तक, ताकि इफेक्टिवली ये रिजल्ट दे। तो ये कैप्सूल जो कि हार्ट अटैक के केस में यूज होती है और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर यूज करती है। कैप्सूल को वो लोग ज़्यादा नहीं ले सकते जिनको अल्कोहल किया या प्रेग्नेंट है या ब्रेथ फीमेल वुमेन है, तो वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह से ले। अगर आपको किडनी लीवर या किसी भी टाइप का कोई डिजीज है तो उस केस में भी नहीं ले सकते। तो न्यूटेल 40 mg टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।